हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न कंप्यूटर जीएस सीटीआई जीएस कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के। आज के इस ऑनलाइन ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे अकाउंटिंग वीएस बुक कीपिंग। अकाउंटिंग क्या होती है और बुक कीपिंग क्या होती है और दोनों में डिफरेंस क्या होता है, आज हम ऑनलाइन की इस ट्यूटोरियल में ये चैप्टर सीखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि बुक कीपिंग क्या होती है। बुक कीपिंग इज द प्रोसेस ऑफ सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। बुक कीपिंग जो है एक फाइनेंशियल रिकॉर्ड का, फाइनेंशियल रिकॉर्ड किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल रिकॉर्ड का सिस्टमैटिक तरीके से उसको रिकॉर्ड करना बुक कीपिंग कहलाता है। और बुक कीपिंग नेक्स्ट पॉइंट है, बुक कीपिंग इज सेट टू बी बेसिक ऑफ अकाउंटिंग्स। बुक कीपिंग जो है वो बेसिक ऑफ अकाउंटिंग्स कहलाता है। वेयर अकाउंटिंग फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द ब्रॉडर स्कोप इन फाइनेंस। जबकि अकाउंटिंग का जो फॉर्म है वो फाइनेंस के लेवल पे बहुत बड़ा है। थर्ड पॉइंट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फोकस ऑफ बुक कीपिंग इज टू मेंटेन एन एक्यूरेट रिकॉर्ड ऑफ ऑल मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस ऑफ ए बिजनेस। कंपनीज यूज दिस इंफॉर्मेशन टू टेक मेजर इन्वेस्टमेंट डिसीजन। जो कंपनी की जो भी ट्रांजेक्शंस होती हैं उसको बिल्कुल एकदम सही और एक्यूरेट तरीके से उसको मेंटेन करते हैं बुक कीपिंग में, ताकि कंपनीज उस बुक कीपिंग के आधार पर और अकाउंटिंग के आधार पर नेक्स्ट कोई भी इन्वेस्टमेंट लेने का डिसीजन कर सके। द बुक कीपर मेंटेन्स बुक कीपिंग रिकॉर्ड्स। एक्यूरेट बुक कीपिंग इज क्रिटिकल फॉर बिजनेस एज इट गिव्स ए पीस ऑफ रिलायबल इंफॉर्मेशन ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी। बुक कीपर का काम होता है कि वो कंपनी की सारी ट्रांजेक्शन को एज पर नॉर्म्स सही सही रिकॉर्ड करें, ताकि जो कंपनी के फाइनेंस की परफॉर्मेंस है वो सही सही रिपोर्ट हमें मिल सके। बुक कीपिंग प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स। बुक कीपिंग का और भी सारे कई सारे आइडेंटिफाई स्टेप्स होते हैं। आइडेंटिफाई ए फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को सबसे पहला काम है कि आइडेंटिफाई करना। फिर उसके बाद रिकॉर्ड फाइनेंशियल, उस फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को सही सही ऑर्डर में रिकॉर्ड करना। फिर उसके बाद तीसरा, प्रिपेयरिंग अ लेजर अकाउंट और उस फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को का एक लेजर अकाउंट क्रिएट करना। फिर उसके बाद उस लेजर अकाउंट को ट्रायल बैलेंस में कन्वर्ट करना। नेक्स्ट हम देखेंगे व्हाट इज अकाउंटिंग। अकाउंटिंग इज द सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, मेजरिंग एंड कम्युनिकेटिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस टेकिंग प्लेस इन अ बिजनेस। अकाउंटिंग हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ ए फर्म एंड प्रेजेंट द सेम टू स्टेक होल्डर। अगर हम इसको सही लैंग्वेज में बात करें तो किसी भी पैसे से संबंधित घटना चक्र को क्रमबद्ध तरीके से लिखना, पढ़ना, समझना, समझाना, समय समय पर उसका आकलन करना अकाउंट कहलाता है। और अगर बुक कीपर ने सही पोस्ट किया है बुक्स ऑफ अकाउंट में, जो स्टेक होल्डर्स होते हैं उनको फाइनेंस अकाउंट का क्या स्टेटस है, प्रॉफिट है या लॉस है, उनको इस बारे में पता चल जाता है। दूसरा पॉइंट है, इट हेल्प्स ए बिजनेस इन शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म्स डिसीजन मेकिंग एंड आल्सो कन्वेज द क्रेडिबिलिटी ऑफ ए कंपनी टू द मार्केट। अगर सही अकाउंटिंग होती है तो बिजनेस शॉर्ट और लॉन्ग टर्म में डिसीजन लेने में आसानी होती है और कंपनी की जो क्रेडिबिलिटी होती है वो मार्केट में बनी रहती है। थर्ड वन, इट इज ऑल्सो नोन एज लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग एक प्रकार की लैंग्वेज भी है और एक प्रकार का बिजनेस भी है। फोर्थ वन, द पर्पज ऑफ अकाउंटिंग इज प्रोवाइड क्लियर व्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अकाउंटिंग का एक सीधा सीधा क्लियर
सीधा सीधा पर्पस है कि उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एकदम सही तरीके से प्रस्तुत करना, विच इज इंक्लूड इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर्स को, क्रेडिटर्स को, एम्प्लॉयज़ को और गवर्नमेंट्स को, इन सभी को सही सही एक वे तरीके में रिपोर्ट्स को प्रस्तुत करना। नेक्स्ट हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। बुक कीपिंग डील्स विद आइडेंटिफाइंग एंड रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स ओनली। बुक कीपिंग का काम है कि सिर्फ जो भी ट्रांजेक्शन्स होते उनको सही सही तरीके से रिकॉर्ड करना। अकाउंटिंग का डेफिनेशन है, अकाउंटिंग रिफर्स द प्रोसेस ऑफ समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल डेटा ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। अकाउंटिंग सही सही डेटा को अपने ऑर्गेनाइजेशन को, अपने ऑनर को सही सही डेटा प्रोवाइड करता है। डिसीजन मेकिंग, डेटा प्रोवाइड बाय बुक कीपिंग इज नॉट सफिशियंट फॉर डिसीजन मेकिंग। जो भी डेटा बुक कीपर के द्वारा मैनेजमेंट को प्रोवाइड किया जाता है वो मैनेजमेंट को डिसीजन लेने के लिए पर्याप्त नहीं होता। उसको मैनेजमेंट को डिसीजन लेने के लिए पर्याप्त, मैनेजमेंट कैन टेक इंपॉर्टेंट डिसीजन बेस्ड ऑन डेटा ऑब्टेंड फ्रॉम अकाउंटिंग। अकाउंटिंग से जो भी डेटा प्राप्त होता है उसमें मैनेजमेंट कोई भी डिसीजन लेने के लिए डिसीजन ले सकता है। थर्ड वन, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट नॉट डन बुक कीपिंग, नॉट डन इन केस ऑफ बुक कीपिंग। बुक कीपिंग में कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार नहीं होता, जबकि अकाउंटिंग में फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर ए पार्ट ऑफ द अकाउंटिंग प्रोसेस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो भी होता है वो एक अकाउंटिंग का पार्ट होता है। एनालिसिस, हम बुक कीपिंग में एनालिसिस नहीं कर सकते, जबकि अकाउंटिंग एनालिसिस द डेटा एंड क्रिएट्स इनसाइट फॉर द बिजनेस। अकाउंटिंग डेटा एनालिसिस, अकाउंटिंग में डेटा एनालिसिस किया जा सकता है और बिजनेस के लिए इनसाइट डिसीजंस लिया जा सकता है। पर्सन्स इन्वॉल्व, द पर्सन कंसर्न विद बुक कीपिंग इज नोन एज बुक कीपर। जो भी ट्रांजेक्शन्स को बुक्स ऑफ अकाउंट में पोस्ट करता है वो बुक कीपर कहलाता है। द पर्सन कंसर्न विद अकाउंटिंग इज नोन एज अकाउंटेंट। जो पर्सन उस बुक कीपिंग को सही से सॉर्ट करता है, समराइज करता है, उसको अकाउंटेंट कहा जाता है। डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजिशन, बुक कीपिंग डजेंट शो द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द बिजनेस। जो बुक कीपिंग होती है किसी भी बिजनेस का फाइनेंशियल पोजिशन नहीं बता सकती, जबकि अकाउंटिंग हेल्प्स इन शोइंग क्लियर पिक्चर ऑफ द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द बिजनेस। अकाउंटिंग जो होती है वो हमें किसी भी फाइनेंशियल पोजिशन का व्यू सही सही, किसी भी बिजनेस का व्यू सही सही हमें फाइनेंशियल पोजिशन बता सकता है। लेवल ऑफ लर्निंग, नो हाई लेवल लर्निंग रिक्वायर्ड। बुक कीपर के लिए कोई भी हाई लर्निंग रिक्वायरमेंट की आवश्यकता नहीं होती, जबकि अकाउंटेंट के लिए एक हाई लेवल लर्निंग के लिए अकाउंटेंट की जरूरत है। जैसे हाई लेवल लर्न रिक्वायर्ड अकाउंटेंट के लिए, उसको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए फॉर अंडरस्टैंडिंग एनालाइजिंग अकाउंटिंग का, उसको अकाउंटिंग कंसेप्ट का, एनालाइजिंग का और उसको अंडरस्टैंडिंग अकाउंटिंग अंडरस्टैंड का अच्छी तरह से नॉलेज होना चाहिए। आपको यदि ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, पढ़ें और पढ़ाएं, जीवन में खुशियां फैलाएं। जय हिंद।